तब अस्थावल मैदान था, अभी विवेकानंद मैदान, उसी में आकर के उन्होंने बता के दिया है क्या कि समाज में ऐसा हुआ था, कोई चौधरी पंचायत मतलब गांव का मुखिया को चौधरी कहा जाता है और रीजन का जो लीडर उनको पंचायत कहा जाता है। तो चीफटेन ऑफ द ओकरा त्रिपुरा स्टेट का जो चीफटेन है, जो है सबसे मुखिया बड़ा है, समाज का मुखिया उनको ओकरा बोला जाता है। ये थ्री जुडिशियल सिस्टम में जो चलता है ना, इसका इवन पंचायत जो चौधरी उन लोग भी नाराज हो गया था, कारण ये चौधरी लेने के लिए तैयारी में आकर के पिटाई करता है। और ऐसा हमने 2 साल से कुछ तथ्य साथ जो है उसको निकाल के रखा था, उसको हमने आप मतलब हिंदू सनातन ये जमाते हदा को बर्बाद करने के लिए, ध्वंस करने के लिए जो किया गया था, इसका विषय आप सबके सामने में ये कुछ रखना चाहता हूँ। ये मेरा तथ्य जो है 1995 से लेकर के 2003 तक, अप टू अगस्त 2003, उसी में घटना जो हुआ था, एक एक करके तो बोल नहीं पाऊंगा, यह 252 हमने रिकॉर्ड किया है जो हिंदू देव देवी पूजा करने का कारण और जमातिया होदा करने का कारण पिटाई खाया, किसी को गोली करके मार दिया है, ऐसा है। और अपना हिंदू स्वयं जो पॉलिटिकल लीडर्स हिंदू और जो सन्यासी जो है उसको जैसे परम पूज्य श्री श्री शांतिकाली जी को जीरानिया में कातिल किया 27 अगस्त 2000 एट अबाउट 8 PM तब उसको कातिल किया गया। ऐसे विश्व देवर्मा वो भी रीजनल पार्टी का लीडर थे और आश्रम चला रहे थे खुआई का, उनको भी हत्या किया गया। ऐसे भुमानी देवर्मा गामसा कुबरा का, वो भी हिंदू का साधक थे, उनको भी समाज सेवी थे, उनको भी हत्या किया गया। ऐसा कुछ इलाका में जो है उसको ना बोलने से नहीं होता है, जैसे 11/1999 विक्रम सदन जमातिया पी एस किला उदयपुर साउथ त्रिपुरा और एनएलपी उग्रवादी ने उनको हत्या किया। ऐसे उसी दिन में तरुणी मोहन जमातिया हारेबारी ये किला अंदर में है, उनको भी सीरियस से पिटाई किया गया है, उनको चांदा नहीं देने का कारण। और तुरुपा कामी का किला सजेशन में सुरवाला जमातिया ए हाउस वाइफ तुरुपा कामी, उनको किडनेप कर एलएफटी ने किया गया था। और बाद में क्या कि उनका पिताजी हिरेंद्र जमातिया वो CPM करते थे, इसी कारण उनको बंदक बना के लेके गया था, क्या कि पिताजी को शोध उधर एनएलटी के पास सरेंडर करना से। हमें जमातिया होदा का तरफ से जब दुर्गा पूजा चल रहे थे तब 25 मीटर दूर से गोली बारिश किया है, क्या कि स्वस्थ गुदन चल रहे थे, 300 से ज़्यादा उन्नत थी बाल बच्चा लड़का लड़की वुमेन सारा थे, लेकिन उधर जा कर के एनएलटी उग्रवादी ने मंदोक को देख करके गोली बारिश किया। लेकिन लाकीली माँ दुर्गा का कारण एक भी खून नहीं निकला। तो ऐसा काफ़ी किया गया है, ऐसा भी हुआ है एक साथ में 7 व्यक्ति को जमाते होदा का जो वॉलंटियर जो है और हिरेंद्र जमातिया का वो मियाँ बीवी दोनों को, स्वामी स्त्री दोनों को एक साथ में 7 व्यक्ति को एलएफटी उग्रवादी ने हत्या किया।
मैंने इसलिए कह रहा हूं, दावा के साथ मैं कह सकता हूं क्या कि जो हिंदू सनातन जैसे औरंगजेब ने किया था, जो हिंदू होता है उसको मतलब जो मुस्लिम हो जाता है उसको जिजिया कर देना नहीं पड़ता है, लेकिन जो नहीं होगा दूसरा किसी का हिंदू का सिख का उसको जिजिया कर देना पड़ता है। ऐसे ही ये उग्रवादी भी ऐसा किया है, जो ईसाई होता है उनका टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई चांदा दे नहीं पड़ता है, लेकिन जो हिंदू है उसको जबरदस्त लेकर जाता था। ये सब का सामने है, मैंने जो अभी बोल रहा हूँ सास का साथ कह रहा हूँ या तथ्यों का साथ मेरे पास है, तो इसलिए आज हमने यहाँ जो जमाते का अपराधी दोनों अपराधी है और पांचायत भी है उसको नमन करता हूँ, और यहाँ सी एजिटी मेंबर टीटीएडीसी का पूर्ण सुंदर जमातिया भी है, बाकी अपना जो समाज सोसाइटी का चलाने वाला ये सब है यहाँ, तो सबको मैं चेतावनी देता हूँ क्या कि ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है त्रिपुरा में 1992 में वो भी बागमा केंद्र में अपना चौधरी और पांचाई मिलन कुमार जमातिया पित्रा मोयाल का पांचाई थे, उनको भी पिटाई किया था, तब जमातिया खदा उठ कर करके उसको खेद खादर दिया था, और इसके साथ साथ उदयपुर में जाकर के जमातिया हरा निपात जाक मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसा जमातिया खदा के अगेंस्ट में है। इसलिए आप लोग सबको मैं नमन करता हूँ और आवेदन करता हूँ, सतर्क रहना चाहिए क्या कि खुदा को दुर्बल करने के लिए भांगने के लिए अभी भी ये ग्रुप सक्रिय है, तो इसलिए जमाते खुदा का जो जो है यहाँ है आप सबको और भी मैं चेतावनी देता हूँ क्या कि हम लोग का स्कूल को भी बर्बाद करने के लिए एक ग्रुप लगते रहता है। तो आदवानी जी और अटल जी सन 2000 में दिल्ली में मैं जनरल सेक्रेटरी जमाते खुदा का और विक्रमादित्य जमातिया तब अकरा और हरिचंद जमातिया अकरा थे, मैं और विक्रमादित्य जमातिया जी दिल्ली में जाकर के अटल जी आदवानी जी जोएल ओरांग जी और आरडी मिनिस्टर टी दत्तात्रेय जी से मिल के अटल जी का चैम्बर में बैठ करके कुछ डिसीजन लिया गया था। इसी कारण तब 10 लाख रुपया आदवानी जी ने समाज को दिया है और 10 रूम 10 कमरा हम लोग अभी जो जहां हमने 3.31 एकड़ हमने जूद जमीन दान किया है आथरबला में हिंदूगढ़िया अकेडमी जमातिया के हेडक्वार्टर उसमें जो स्कूल अभी चालू है, तो इसी का एक ब्रांच अभी यहां इसका भी स्टोन फाउंडेशन किया गया है, तो इसका अर्थ ये है हम लोग का समाज को सशक्त करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसी कारण अभी इसी महीने में एके मिश्र जी आया था नॉर्थ ईस्ट का समस्या को देखने के लिए, होम मिनिस्ट्री की तरफ से या रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उसी में भी अपना जनजातीय मोर्चा बीजेपी का तरफ से एक गोरिया बाबा गोरिया यूनिवर्सिटी करने के लिए हम लोग का तरफ से पार्टी का तरफ से दिया गया है, गवर्नमेंट का तरफ से दिया गया है, तो उसको सामने रख करके आने वाला दिन में जरूर क्या कि विषय ऐसा है मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो सकता है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो सकता है। मैं जो जब मंत्री थे तब गुरुकुल यूनिवर्सिटी धर्मनगर में किया गया है और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मनुबनकुल में किया गया, तो सही वहाँ ये किया गया तो जरूर ये बाबा गुरिया यूनिवर्सिटी भी बन सकता है जहाँ हम लोग 100 एकड़ जमीन रखा है, तो जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी का साथ साथ सबको यही अभी यहाँ जो सबको मैंने नमन करते हुए मेरा भाषण थोड़ा सा मैं पंगर में रखना चाहता हूँ जब तुम्हें फूल भाई प्लेस कान से मुझे माना रखना है